हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज है 25 तारीख जनवरी और कल 26 जनवरी है। तो हम लोगों का प्लान बना है, हम लोगों मतलब दीदी और दीदी के जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों का प्लान बना है क्या बोला तूने? मूर्थल जाने। पहले क्या बोला? चल का कल मूर्थल। सुबह उठना पड़ेगा एकदम 5 बजे और 6 बजे निकलना है। मतलब यार मेरे को तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। ठंडियों में तो एक तो नींद ज्यादा आती है, सुबह उठा ही नहीं जाता। और मैं वैसे भी मेरी शिफ्ट होती है 9 बजे स्टार्ट, तो मैं 9 बजे से थोड़ा 1-2 मिनट पहले उठती हूँ। तो कल जल्दी उठना पड़ेगा। और मैं तो सोच के एकदम ऐसे ठंड लग रही है। ये उठती है एकदम 12-1 बजे। 11 बजे उठती हूँ, 10-11 बजे। बहुत बड़ा रहम कर लिया तूने 11 बजे उठ के। तो छुट्टी टाइप है तो क्या करूँगी? ये सबसे ज्यादा सोती है। तो जो भी है, कल जल्दी उठना है। हम गाड़ी में जाएंगे और दीदी के जो फ्रेंड्स हैं, वैसे तो मैं दीदी के फ्रेंड्स से सबसे मिली हुई हूँ, अलग अलग मिली हूँ ना मैं नवीन भैया से भी। नहीं, नवीन भैया और स्वाति दीदी से एक बार मिली थी, उसके बाद महेश भैया से तो बहुत बार मिल चुकी हूँ। तो भी दीदी बोलने वाली कुछ गढ़वाली में बोल, जिसको ट्रांसलेट करना होगा, जो भी मतलब व्यूअर्स देखेगा ना, कुछ टफ हो जो गढ़वाली में टफ। क्यों बोल मैं बोलती एक कोदे रोटी की माखण का चा प्याजो। राई रे मुन्नू पागल, कोदे रोटी। हां यार, तू मारते क्यों सर में दीदी? कोदे भी बोलते उसको, जरूरी नहीं है राई। तो अभी मैं जा रही हूँ सोने, बिकॉज कल बहुत सारी वीडियोस बनानी पड़ेंगी। अभी इसको इतना लंबा चौड़ा बनाऊंगी तो फिर एडिट करने में मुझे फिर और शार्प हो जाएगा। तो बाय, आपसे मिलते हैं सुबह। हेलो गाइस, तो मेरा नाम है रजनी तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी 6:30 हो रहे सुबह के और मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था उठने का। दीदी पहले उठ गई थी और फिर वो मेरे को उठाने लगी, तो मेरे को फिर उसने मुझे उठाया। मेरे को तो सीरियसली इतनी नींद आ रही, इतनी अच्छी नींद आ रही थी ना, ब्लैंकेट के बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। बट जाना पड़ेगा, व्लॉग बनाना है, तो मैं सोच रही हूँ रहने देती हूँ, बिकॉज मेरे को बहुत नींद भी आ रही है। तो आप चाहते हो मैं बनाऊँ व्लॉग या फिर नहीं? नहीं। चाहते हो? बनाना ही पड़ेगा फिर तो। चलो अब चलते हैं, तैयार होते फटाफट बाहर निकल के। इतनी ठंड लग रही है ना कसम से। चलो मैं फ़ोन को चार्ज पे लगा लेती हूँ तब तक, बिकॉज चार्ज चाहिए होगा, और निकलते हैं यहाँ से। और प्लान में थोड़ा सा चेंज आ गया, नवीन भैया नहीं आ रहे हैं, दीदी बोल रही है। तो फिर स्वाति दीदी और उनका कोई कज़न ब्रदर आ रहा है। छतरपुर से निकल रहे तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ के लिए, और महेश भैया निकल चुके हैं। कहाँ पर पिक करेंगे उनको? सेक्टर 11 पे। तो सेक्टर 11 द्वारका मेट्रो स्टेशन के पास है, और हम लोग अभी यहाँ से गाड़ी में जाएंगे, फिर हम साथ में चले जाएंगे। हम पहले इतना लेट कहाँ बज रहे हैं? अच्छा यहाँ पे मंदिर है। पहले हम इतना लेट हो रहे हैं ना, मतलब महेश भैया को यहाँ वहाँ पे आधा घंटा से ज्यादा हो गया होगा। सेक्टर 11 है वो, और यहाँ पे ये टेम्पो खड़ा है आगे से। जल्दी निकल जाओ भाई। मैंने 5 मिनट बोला कि महेश भैया को 5 मिनट में पहुँचने वाली हूँ, और अभी यहाँ पे एक तो टेम्पो खड़ा हो गया, ऊपर से अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा, 5-7 मिनट और। वहाँ से भैया को पिक करेंगे, उसके बाद स्वाति दी के घर जाएंगे। आप सब लोगों को एक चीज बोलना तो भूल ही गई, हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आज है 26 जनवरी और हम जा रहे हैं मूर्थल। कितनी बार बोल चुकी मैं चीज, बस पहुंचने ही वाले वहां पे। महेश भैया को गुस्सा आ गया, बिकॉज उनका 2-3 बार फोन आ गया, हमने इतना लेट कर दिया ना सीरियसली। तो महेश भैया मिल चुके हैं हमें यहाँ पे बहुत स्ट्रगल के बाद। तो अभी महेश भैया को वो स्कूटी यहाँ खड़ी नहीं करनी है, मतलब नवीन भैया ना उनके घर पे करेंगे, बिकॉज इधर पार्किंग ज्यादा देर तक खुली नहीं रहेगी। महेश भैया पुलिस वालों ने पकड़ लिया, और वो चेकिंग में लग गए उधर, और फिर वो पता नहीं पूछने लग गए कि इतने सुबह क्यों जा रहे हो, मतलब कुछ भी थोड़ा
तो इसलिए वहाँ पे मतलब उनको उन्होंने मतलब जब तक हम वहाँ पे पहुँचे नहीं उसके बाद वो हमारा वेट कर रहे थे पुलिस वाले ऐसे मतलब कुछ भी यार मतलब ऐसे पता नहीं कहाँ है महेश भैया। हेलो कहाँ पे ये एकदम गायब ही हो गया। हमने वहाँ से लेफ्ट लिया बट उसके बाद आप दिख नहीं रह गई। हेलो हम यहाँ बीच रास्ते में मैं भूल गई तो यहाँ गली नंबर कौन सी है जाना है फिर यहाँ जाना गली नंबर 8 पे है। तो मैं नवीन भैया मिल गए और जिनके घर पे महेश भैया स्कूटी खरीद करने गए थे हमें यहाँ पे छोड़ के। स्वाति दीदी का वेट कर रहे हैं यहाँ पे पता है वो पता नहीं क्यों इतना टाइम लगा रही है सर्जरी होंगी पता नहीं नवीन तो क्या कह रहा है नवीन तो आए नहीं क्यों सोचेंगे स्वाति दीदी को हमें मिल चुकी है और हम लोग सॉन्ग चला के निकलते हैं। ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो गए मतलब 10 बज गए होंगे यार डर गए डर गए नहीं पुलिस वाले हो गए जाने वाले होम है पुलिस वाले चेकिंग बहुत बड़े हो गए मतलब कहीं भी बंदे से फोटो खींचे थोड़ा सा भी कुछ अनयूजुअल से लगेगा ना मतलब अभी देखेंगे तुमको चिल्लाते हुए तुम बोलेंगे ऊपर रोकते हैं वो गाड़ी पहुंच गए यहाँ पे गुलशन ढाबा एंड दीज आर द पीपल्स आई एम विद। रश्मि तुम्हारा रह गया मेरे क्या रह गया तुमने कर लिया बता दे क्या तुमने मैंने रवा मसाला डोसा तो वहीं पे और मैंने चाय ऑर्डर की है मैं भी चाय बहुत स्पेशल है इसका टेस्ट बहुत टेस्टी है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल ये अच्छी नहीं लगती यार ये कौन कौन अच्छी लगती है ये है मेरा पराठा मैंने मसाला डोसा आ गया है कौन सा पराठा है ये गोभी का पराठा गोभी का पराठा है तंदूर में पका हुआ है एंड हमने अलग अलग टाइप के पराठे ऑर्डर किए हैं कैसा हो रहा है अच्छा हो रहा है बस कर क्या मेरी चाय तो हो गई ठंडी ये ज्यादा हो गई खा लिया यहाँ पे गुलशन ढाबा पे और अभी हम लोग जाएंगे थोड़ा आगे एंड फिर जाएंगे घर। तो अभी हम एक दूसरी जगह आए हैं सुखदेव ढाबा एंड ये बहुत ही सुंदर है सीरियसली घर से बहुत प्यारा और यहाँ पे जो गाना चल रहा है वाओ सुखदेव में ना ये आइसक्रीम ट्विस्टिंग कूप करके है तो यहाँ पे ना ये आइसक्रीम आती नहीं हाथ में तो हम भी ट्राई करने वाले हैं। लेट्स सी हम में से कौन ट्राई करने वाला है चलो दीदी ट्राई करने वाली है इधर
क्यों बैठे हो लोग आ रहे हैं।